पुलिस स्टेशन से 50 मीटर दूर राज्य कर एवं अबकारी विभाग की सरकारी कॉलोनी में अधिकारी के घर में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। इससे पहले भी कॉलोनी में चोरियां हो चुकी हैं, ये दूसरा मामला है। पीड़ित अबकारी विभाग नालागढ़ के ऑफिसर ईटीओ अजय धीमान ने बताया कि वे शनिवार को अपने घर चले गए थे, जब सोमवार को आकर सरकारी कॉलोनी में कमरे पर पहुंचे तो देखा कमरे के ताले टूटे हुए थे। कमरे के अंदर रखा सारा सामान बिखरा हुआ था और सरकारी टैबलेट समेत कुछ सामान गायब है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि कॉलोनी में चोरी की दूसरी घटना है। उन्होंने कहा कि कई परिवार कॉलोनी में रहते हैं तो आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पवन ने बताया कि पुलिस स्टेशन से 50 मीटर दूर चोरियां होना बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि हमारा परिवार भी कॉलोनी में रहता है तो इस माहौल में रहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। डीएसपी नालागढ़ ने बताया कि बीते कुछ दिनों में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों को सुलझाने के लिए एसआईटी का भी गठन कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। मेरा नाम अजय धीमान है, मैं यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर लग रहा हूँ नालागढ़ सर्कल 1 में जी। मैं अभी आया हूँ और जैसे ही मैं आया हूँ अपने क्वार्टर में तो मुझे पता चला कि मेरे कमरे का ताला जो टूटा हुआ है, अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। तो मेरा जो सरकार द्वारा दिया गया टैबलेट है वो गायब है और अभी बारीकी से देखने के पता चलेगा और क्या क्या नुकसान करके गया है। तो अभी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी गई है तो अपेक्षा है कि वो करें, क्योंकि ये बहुत कम समय दूसरी घटना है और इसका कोई परिणाम निकल नहीं पाया है। इस माहौल में हम बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि चलो वो तो हमारा सामान तो ले गए, फाइनेंशियल लॉस तो है, पर किसी का मर्डर किडनैप हो जाए, यहाँ बच्चे रहते हैं, तो ये हमारे लिए दिक्कत है। हमारे यहाँ सुरक्षा को कोई प्रावधान है नहीं, यहाँ तो ना ही कोई चौकीदार है, ना किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा, ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। तो दिन दहाड़े हो, बड़ी चीज ये है कि हो सकता है कि वो दिन को करके गया हो इसको। अगर दिन में ही ये चीज है, कुछ भी हो रहा है, मतलब इसमें पुलिस थाना सिर्फ मात्र 50 मीटर दूरी पर है तो इतने हौसले बुलंद हैं। पुलिस दूर होता तो आप सोचो क्या नौबत आ जाती कि उनके समक्ष कोई आ जाएगा तो हो सकता उसे मार भी दे। आम देखो ना, बड़ी चीज है कि सरकारी कॉलोनी में आ गए तो आम जनता का क्या करेगा, मतलब तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बड़ी चीज ये दुख की बात है कि कोई डर ही नहीं है। थोड़े दिन पहले भी देखो कोर्ट कम्प्लेक्स में वो बंदा गोलियां चला के चले गए, पुलिस थाने के आगे से चले गए, तब भी पुलिस ने कोई चीज नहीं ली है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो पुलिस ने जो कैमरे लगाए हैं उनमें कहीं पर ये बंदा ट्रेस हुआ है। अगर ट्रेस होता है तो जल्दी जल्दी वहाँ से उसको ट्रेस करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी एक्शन बनता है वो लिया जाए। हाँ, ये दूसरी चोरी है। इससे पहले कोई 15-20 दिन पहले भी एक चोरी यहाँ हुई थी, हमारे साथ वाले ही ब्लॉक में हुई है। तो कल मुझे कोई 5:30 बजे PM का फोन आया कि सर नीचे वाले फ्लोर में ना चोरी हो गई है और ताला तुला टूटा हुआ है इसका। जब हम फिर उस टाइम थे खेड़ा में, हम बद्दी साइड गए हुए थे, तो जैसे आके देखा तो फिर हम बस बड़ी हैरानी की बात है कि इतने पुलिस जो थाना है इतने करीब होते हुए यहाँ से 50 या 100 मीटर है और चोरियाँ हो रही हैं। जब ये एक सरकारी कॉलोनी है, यहाँ पर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित हो सकती है। ये ETO है हमारे सर्कल 1 के ETO हैं, जो अभी फिलहाल छुट्टी संडे की छुट्टी तो घर निकले थे वो शनिवार को, शुक्रवार को गए बस, तो अभी आएंगे वो। उसके बाद उनसे यही है कि प्रशासन इस ऐसे मामले में ढील ना बरते और हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़े और जो भी यहाँ से कुछ जो भी सामान चोरी हुआ है उसको रिकवर कराए, बस यही है प्रशासन से। तो ये जो चोरी का मामला है इसमें पुलिस के पास शिकायत आई है तो इसमें हमने FIR दर्ज करके इसमें जो भी हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो भी हमारी चोरियाँ जितनी भी कंसर्न 5-6 चोरियाँ हुई है हम इनको लिंक कर रहे हैं, शायद एक ही गुट से या दो गुट से जो भी ऑपरेटिंग गैंग हो सकती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें एक SIT का गठन भी किया हुआ है और उसमें साइबर सेल प्लस CCTV सेल के पुलिसकर्मी हैं
और वो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं कि उनके चोरों का कोई मॉडल सप्रेंड है जिसे कॉमन है, तो उसी के बेसिस पे हम उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं साइबर सेल के उससे भी, और बाकी अपनी जो ओल्ड अपना ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिगेशन है जो मॉडल सप्रेंड के ऊपर जो बेस्ड होती है उसके माध्यम से भी हम चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि जल्द ही ये गैंग हमारे पकड़ में आएगी और सारी चोरी सारी ट्रेस होगी। नहीं, ये आपकी बात सही है कि इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए मैं मना नहीं करता हूँ। इसमें हमारी भी थोड़ी कमी हो सकती है थोड़ा सा कि जो पहली चोरी हमारी हुई है, पहले जो चोरियाँ होनी शुरू हुई थी उसी टाइम से हमारे को इनको पकड़ने की थोड़ी स्पीड अप करना चाहिए था, पर थोड़ा जैसे आपको पता है कि इलेक्शन टाइम में भी स्टाफ की बहुत कमी रही है, अभी काउंटिंग तक भी काफ़ी स्टाफ बिजी रहेगा। बट ये ज़रूर है कि हमने इसी दौरान में SIT का गठन करके हमने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसी चोरी की केसेस में ही फोकस के लिए रखी हुई है, और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड वी आर वेरी आई एम वेरी मच श्योर कि ये हम क्रैक करेंगे। हिमाचल फर्स्ट के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।